भाई साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा, प्यार क्या है। देखिए मैं कोई ऋषि महर्षि तो हूं नहीं कि मैं प्यार का मतलब आपको उन लोग के हिसाब से समझाऊंगा, लेकिन अगर प्यार के मतलब अगर मेरे डिक्शनरी के हिसाब से समझेंगे तो थोड़ा सा इसमें हाइपोक्रेसी, जो जितने लोग हाइपोक्रेट लोग हैं उनको थोड़ा खराब लगेगा। और मैं जानता हूं कि इसमें KYP के कुछ नए स्टूडेंट हैं जो आज पहली क्लास में आए, तो उनको तो थोड़ा खराब लगना ही लगना है। लेकिन फिर भी अब चूंकि मुझे आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बताऊंगा। देखिए प्यार जो है ना वो एक प्रवाह है, एनर्जी का एक प्रवाह है। एनर्जी प्रत्येक क्षण प्रवाह हो रहा है, वही प्यार है। और एक एक क्षण में आपको प्यार होता है, एक एक कण से प्यार होता है, हर समय प्यार होता है और हर चीज से प्यार होता है। जो लोग कहते हैं कि मुझे एक से प्यार है, किसी एक खास चीज से प्यार है, किसी खास आदमी से प्यार है, ये सही में हो सकता है कि उनको प्यार उस आदमी से हो, लेकिन ये कह देना कि किसी खास से ही सिर्फ प्यार है ये गलत है, ये झूठ है, ये फ्रेब है। आप मेरा बात इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मेरे से प्यार है, आप मेरा बात इसलिए सुन रहे हो क्योंकि मेरे वर्ड से आपको प्यार है, आप मुझे इसलिए देख रहे हो कि मेरे चेहरे से आपको प्यार है। अगर इस चेहरे से प्यार नहीं होता तो आप नाक भौंस बना के निकल गए होते। आप इस जगह पर इसलिए बैठे हो क्योंकि इस जगह से प्यार है, इस कुर्सी पर इसलिए बैठे हो कि इस कुर्सी से प्यार है, इस पंखे के नीचे इसलिए हवा खा रहे हो क्योंकि हवा से प्यार है। आपको प्यार सब चीज से, प्यार का मतलब होता है एनर्जी का प्रवाह। और दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जहां एनर्जी का प्रवाह ना हो। इसलिए मेरे हिसाब से, साइंस के हिसाब से, और चूंकि मैं साइंस को थोड़ा बहुत नॉलेज है, मुझे थोड़े बहुत ज्ञान है साइंस के बारे में, तो साइंस के हिसाब से मैं सोचता हूँ, तेज सोचता हूँ कि साइंस कहता है कि प्यार का मतलब एनर्जी है। और मैं इसको जब सामाजिक जीवन में देखता हूँ तो मुझे यही समझ में आता है, क्योंकि आपको जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसके लिए बड़ा एक्टिव होते हैं, बड़ा उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। वो एनर्जी तो करवाता है और वो एनर्जी तो खींचता है आपके, आपको कि नहीं अरे ये तो मेरा बहुत, इसको बहुत प्यार करते हैं तो उसके पास खींचे चले जाते हैं, वो एनर्जी खींच के ले जाता है। कोई काम से आपको बहुत प्यार है तो उस काम को एकदम से करना चाहते हैं क्योंकि आप वो एनर्जी खींचे लेके चल जाता है। तो प्यार एक एनर्जी है और उस कमी नहीं है। एक और चीज़ है, कुछ लोग कहना है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। आपको तो हवा प्यार कर रही है तभी आपके शरीर में लग रहे हैं, आपको आपके कपड़े प्यार कर रहे हैं तभी आपके शरीर पर सूट कर रहे हैं, नहीं तो खुजली हो जाती। समझ रहे ना, आपके बगल वाले आपको प्यार कर रहे हैं इसीलिए आपके बगल में बैठे हैं। ये आपके जो छत है ये आपको प्यार करता है इसीलिए टिका हुआ है। ये हर चीज आपको प्यार करता है इसलिए आप हैं और आप भी हर चीज को प्यार करते हो। ये धरती अगर आपको प्यार नहीं करता तो आप खड़े नहीं होते, फिसल के गिर गए होते। ध्यान रखना, प्यार हर कण में है, हर क्षण में है, हर जगह है, सिर्फ इसको महसूस करने की जरूरत है और विजन करने की जरूरत है, दृष्टि दिखाने की जरूरत है। ये अगर जिस दिन तुमको दृष्टि में आ जाएगा उस दिन आपको लगेगा सब जगह प्यार है। इवन आलोचक भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आलोचना करने वाले भी बहुत प्यार करते हैं। कैसे करते हैं बताओ, देखिए उसको कितना प्यार है आपके नाम से। सपोज करिए कि एंटेलस का शिकायत कर रहा है कोई, तो एंटेलस के नाम से उनको कितना प्यार है कि बार 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 अलग अलग रूप में उस नाम को ले रहे हैं, कभी कभी गाली निकाल रहे हैं, लेकिन वो भी प्यार है क्योंकि उसके लिए भी उनको एंटेलस का नाम लेना चाहते हैं। मैं आपको एक कहानी के साथ इसको समझाना चाहता हूं। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी गया और लगा गाली देने, बहुत गाली दिया। अरे अरे तू तो बहुत बेकार इंसान है, तुम तो घर परिवार सब छोड़ दिया, बहुत गाली दे रहा था। अब गाली दे रहा था, महात्मा बुद्ध बोले थे जी जनाब और कुछ, और गाली दे रहा था, बोले थे और कुछ, और बताइए और कुछ, तो और गाली दे रहा था। देते देते जब गाली लगा कि महात्मा बुद्ध पर तो कोई ऐसा नहीं पड़ रहा था, थूक दिया।
थूक दिया, जब थूक दिया फिर भी बोले महात्मा बुद्ध कि और कुछ जनाब। अब चेले जो थे, अब सोचिए मेरे ऊपर आकर कोई थूक रहा हो तो आप की खून तो गुबाल करेंगे, ठीक है ना। कम से कम मैं महात्मा बुद्ध नहीं हूं तो मेरे पास भी कम पेशेंस है, और आप लोग के पास तो और कम है, तो आप लोग तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन महात्मा बुद्ध चूंकि महात्मा थे और उनके चेले थे तो उनके पास बहुत पेशेंस था, तो और गाली दे रहा था, थूके जा रहा था, लास्ट में चला गया थूक थाक के। जब चला गया तो महात्मा बुद्ध से चेले पूछे कि महात्मा ये क्या, वो आपको गाली दिया, आपके शरीर पर थूका और आप बोले थे और जनाब, आप मुस्कुरा रहे थे। बोले कि कोई बात नहीं, चलो एक दिन समझ में आ जाएगा ये बात। कुछ दिन के बाद फिर वो आदमी गया अलग, और उन्हें पकड़ लिया महात्मा बुद्ध के पैर। चेला परेशान, ये क्या, ये तो कल थूक के गया था। तो महात्मा बुद्ध बोले कि देखो मानव है, ये अलग अलग रूप में प्यार करता है, इसके पास शब्दकोश नहीं है। उस दिन जब इसने, इसकी सीमा जब बढ़ गई तो इसके पास शब्दकोश नहीं था तो थूक रहा था। आज फिर इसको जब शब्दकोश की कमी हो गई तो रो रहा है, आंसू निकाल रहा है। आप रोते कब हो, जब आपके पास शब्द नहीं होता ब्याह करने का। लोग कहते हैं दर्द बढ़ जाता है, दर्द नहीं बढ़ता, ब्याह करने के लिए जो वर्ड होना चाहिए डिक्शनरी खत्म हो जाती है, तब कहते हो भाई आप ही आ जाओ, लोग समझ जाएंगे इसको। इस तरह से आपको समझने पड़ेंगे कि प्यार क्या है। आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, बड़ा आजकल श्रवण की महीना है, बड़ा पवित्र महीने में आप लोग भी गए होंगे, बाबा धाम जा रहे होंगे, उनकी भी कहानी कुछ ऐसे ही है। बैजू ने क्या किया था, जाके भगवान को डंडा मारता था, भगवान खुश, तो वो भी एक प्यार करने का तरीके थे। अब ऐसा नहीं कि आप लोग कल डंडा लेके आ रहा मेरे सर पे मारना, कहना है कि सर आपको तो प्यार करते हैं हम लोग, नहीं तो ठीक है, समझ में आ रहे ना। तो इसलिए आलोचक भी आपको प्यार करता है, और ये चीज आपको समझने की जरूरत है। आलोचना कैसे आपको शिखर पे पहुंचाती है देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप शायद अमेरिका के राष्ट्रपति बन भी जाते तो सारे लोग नहीं जान पाते जितने लोग जानते हैं आज, लेकिन इतनी आलोचना हुई कि जो नहीं जानते थे वो भी जान गए कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है। मोदी जी जरूर गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री थे, इसके पहले भी देश के बहुत प्रधानमंत्री थे, लेकिन कम जानते थे क्योंकि उनकी आलोचना कम हुई थी, क्योंकि इतनी आलोचना हुई कि सबको पता चल गया कि मोदी जी कौन है। तो ध्यान रखना, आलोचक भी आपको बहुत प्यार करते हैं और बाकी सब कुछ प्यार करता है। इसलिए प्यार का मतलब होता है एनर्जी का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, और ये सतत चलते रहता है, ये हमेशा चलते रहता है, खत्म ही नहीं होता है।